अगर आप कोई ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी रिटर्न्स दे और तो और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में भी निवेश करें, तो आपके लिए एक काफ़ी अच्छा निवेश का मौका आया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने नया फंड मार्केट में पेश किया है। ये नया NFO सब्सक्रिप्शन के लिए 25 जुलाई से खुल चुका है और सब्सक्रिप्शन बंद होगा 8 अगस्त 2024 को। इस NFO का नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड मिड कैप इक्विटी कैटेगरी में। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी आप निवेश के बाद जब चाहें अपने पैसे बाहर निकाल सकते हैं। कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड में मिनिमम 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क जो है, यानी किसको ट्रैक करेगा, वो है निफ्टी मिड कैप 50 TRI, यानी ये उसी की तरह काम करेगा। स्कीम के फंड मैनेजर हैं देवेंद्र सिंघल, सतीश डोंडापति, अभिषेक बिसेन। इस स्कीम में एग्जिट लोड 0 है। कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से टॉप 50 मिड कैप शेयर शामिल होंगे। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के मिड कैप स्टॉक्स हैं। 21 अगस्त 2024 या उससे पहले ये स्कीम दोबारा निवेश के लिए खुलेगी। अब सवाल उठता है कि कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है, तो आपको बता दें कि ऐसे निवेशक जो लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म टेन्योर में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फंड के जरिए इन्वेस्टर्स को एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोजेक्ट्स में निवेश का मौका मिलेगा। मिड कैप 50 इंडेक्स में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश का मौका मिलेगा। इंडेक्स में निवेश के जरिए डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा अवसर भी आपको मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कैपिटल जनरेट करने में मदद भी मिलेगी ही मिलेगी। हालांकि इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कंपनी का कहना है, लेकिन रिटर्न डिपेंड करेगा निफ्टी मिड कैप 50 की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। हम आपको निवेश की जानकारी दे रहे हैं, कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, तो निवेश हमेशा अपनी सूझबूझ से ही करें। आपको ये NFO कैसा लगा, निवेश के लिए सही लगा या आपकी कोई और एक्सपेक्टेशन है आने वाले NFO से, हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए, अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.